यही सर जी, बात करें अगर MCX कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने रिसेंटली कॉटन की कीमतों में काफ़ी अच्छे लेवल्स आते हुए देखे हैं, फंडामेंटल्स भी काफ़ी मजबूत हैं और प्रोडक्शन भी कम बताया जा रहा है, आपको क्या लगता है कॉटन में आगे क्या नए लेवल्स देखने को मिल पाएंगे और नेक्स्ट ईयर कॉटन के लिए कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए कॉटन की जगह अगर हम बात करें इसको सफेद गोल्ड की, सफेद सोने की, तो जिस दिन से सोने ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है वैसा ही कुछ रैली कॉटन में भी है। जनवरी से अभी तक हमने करीबन 7% की तेजी आती हुई देखी है और पहली बार पिछले 5 सालों में हमने देखा कि $1 का लेवल हमने इंटरनेशनल आइस कॉटन को भी ब्रीच होते हुए देखा है। 3-4 चीजें जो इम्पोर्टेंट है, पहला है हमारा इस बार का प्रोडक्शन जो 370, 360, 353 और अब कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है कि 330-335 भी हो सकता है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि पिंक बॉल बॉम, मानसून की अनसर्टेनिटी, इसको देखते हुए हमने कंटिन्यू यील्ड में और प्रोडक्शन में ड्रॉप देखा है। दूसरी ओर पिछले 1.5 साल से हमने देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण काफी ज्यादा सफर की थी, तो इस बार हमने टेक्सटाइल की डिमांड में एकाएक बहुत बड़ा जंप आते हुए देखा है जिसका एक सपोर्ट कॉटन को भी मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी शॉर्टेज वाला माहौल बना हुआ है जो हमें लगता है वो कंटिन्यू अगले 6 महीने तक चलेगा। कॉटन के हायर फाव पे होता यह है कि डिमांड थोड़ी बहुत शिफ्ट होती है पॉलिस्टर पे, लेकिन इस बार क्रूड की तेजी के चलते पॉलिस्टर भी महंगा है और अदर कपड़े के जो मैनमेड फाइबर है उसकी भी कॉस्टिंग बढ़ी होने की वजह से कॉटन को उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। अराइवल के चलते हमने देखा बीच बीच में थोड़े बहुत करेक्शन आते रहते हैं, बट अगले 2 से 3 महीने की बात करें या फरवरी मार्च की बात करें तो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन कॉटन। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है 38,000 तक का लेवल भाव कॉटन में दिखा सकता है। वहीं आइस के अंदर भी हम 140 मतलब $1.40 तक का भी लेवल कॉटन में देख सकते हैं, क्योंकि सप्लाई कंसर्न और डिमांड जिस दिन से इंप्रूव हो रही है ये कॉटन को अभी भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे जी।